तुम लोग करवा के मरीज करवा जाएगा चले ठीक है ठीक है ठीक हो गया। अचानक हम लोग को धुआं महसूस हुआ लगभग 4-4:30 बजे के आसपास। तो उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले पेशेंट्स को इवैक्यूएट किया, चार पेशेंट्स थे, चारों सुरक्षित इवैक्यूएट कर लिए गए थे। उसके बाद जो भी अस्पताल में फायर से लड़ने के साधन थे, फायर एक्सटिंग्विशर थे, पानी वानी डाला गया। ये प्राय अभी तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा भी क्या कारण था, लेकिन सोर्स हमारा ऊटी के अंदर से। तो क्या शॉर्ट सर्किट हो सकती है क्या कहेंगे सर? अभी नया अस्पताल है। अब ये तो जब पता चलेगा, जांच होगी, चीजें समझ में आएंगी। अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या कारण था, बट प्राय मेन मरीज इवैक्यूएट हो गए, कोई जान माल की हानि नहीं। बच्चे भी थे इसमें मरीजों में? हम बच्चों का अस्पताल है तो बच्चे ही थे, चारों बच्चे थे। हम भी सेफ हैं, मेरा स्टाफ भी सेफ है, और जो बच्चे हमने इवैक्यूएट किए वो भी सेफ। करीब हादसे के वक्त करीब कितने लोग रहे होंगे यहाँ पर मौजूद, स्टाफ को मिलाकर? स्टाफ को मिला के 25-30 लोग रहे होंगे। 25-30 लोग सभी सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित। आग लगने की सूचना पर प्राप्त हुई फायर कंट्रोल रूम पे, उस पर हम लोग 2 फायर टेंडर लेके तत्काल मौका पहुंचे, और मौके पहुंच कर देखा कि कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिसमें 4 लोग ओटी में थे और 5 लोग अन्य तलों पर फंसे थे, जिसमें डॉक्टर साहब की फैमिली भी थी। हम लोगों ने 2 टीम बनाए, एक रेस्क्यू टीम, एक अग्निशमन टीम। अग्निशमन टीम आग बुझाने का कार्य की, और रेस्क्यू टीम उन लोगों को अलग अलग तलों पर कमरों में शिफ्ट किया। सब लोगों को हम लोग सकुशल बचा लिए। उसके पश्चात अग्निशमन का कार्य, जिसमें धुएं भरे हुए थे, उसमें देखा गया प्रथम दृष्टया तो उसमें मीटर बोर्ड में आग लगी थी और धुएं पूरे भर गए थे। धुएं को हम लोग शीशे को तोड़कर वेंटिलेशन करा के धीरे धीरे बाहर निकाला गया। अब स्थिति जो है पूरी तरह सामान्य हो गई है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, सब कुछ कुशलता है। हॉस्पिटल में आग लगी हुई है, सूचना के आधार पर हम लोग 2 फायर टेंडर लेके यहाँ पे आए। यहाँ देखे तो ओटी में 4 बच्चे थे और 5 लोग और 10 लोग, डॉक्टर साहब की फैमिली में हम लोग 2।